हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एके जी। भाई साहब, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड बहुत पास है। एल क्लासिको, जिसके लिए मेरे ख्याल से हर एक फुटबॉल फैन इंतज़ार करता है। ऑल दो जो एक एल क्लासिको वाली बात थी वो कम हो गई है, लेकिन फिर से वो स्पार्कलिंग चीज़ें वापस नज़र आ रही हैं। बार्सिलोना वापस से फॉर्म में थोड़ा सा नज़र आ रहा है। हाँ ठीक है, उतना नहीं, लेकिन आ रहा है। चावी वापस आ चुके हैं, एक तरफ एंचेलोटी वापस आ चुके हैं। रियल मैड्रिड इज़ लुकिंग सुपर फाइन। बार्सिलोना शेप ले रही है। फरान टोरेस वापस आ जाएंगे क्योंकि वो कोविड नेगेटिव हो चुके हैं। अंसू फाटी भी लगता है शायद देखने को मिल सकते हैं। तो ये एल क्लासिको जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि देर आर सेवरल थिंग्स ऑन दी यू नो लाइन। ये केवल लीग गेम नहीं होने वाला है, ये सुपर कप का कहानी होने वाला है। इट गोना बी अ सेमीफाइनल, सो ऑफकोर्स बहुत ही मज़ा है। और सेमीफाइनल हो, एल क्लासिको हो, तो ऑफकोर्स इट्स गोना सेल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस एल क्लासिको के बारे में। बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, कैसा ये गेम नज़र आ सकता है। मैं हूं बार्सा फैन, लेकिन रियल मैड्रिड के बारे में भी बहुत अच्छे से बात करूंगा। वीडियो को आखिर तक देखना, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है, फॉर दी रेगुलर फुटबॉल अपडेट्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, बार्सा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर रे के जी के साथ, फुटबॉल की खबर रे के जी के साथ, फुटबॉल की खबर रे के जी के साथ, फुटबॉल की खबर रे के जी के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले ऑफ कोर्स वन फुटबॉल के बारे में बात कर लिया जाए, तो वन फुटबॉल भाई साहब सबसे बेहतरीन ऐप है फुटबॉल फैंस के लिए। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो तो वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि दुनिया जहां की फुटबॉल की न्यूज़ तुमको वन फुटबॉल ऐप दे देता है अपने ऐप में। साथ ही साथ अगर मैं एक बहुत ही बेहतरीन बात बताऊँ, तो वन फुटबॉल ऐप में तुमको क्लब की न्यूज़ तो वो देगा ही देगा, लाइव मैचेस के लाइव स्कोर्स भी देगा, विद टीम शीट, प्रीव्यूज़, रिव्यूज़, और साथ ही साथ लाइव कमेंट्री भी तुम सुन सकते हो वन फुटबॉल ऐप में। तो भाई, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड करो, तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, फ्री अवेलेबल ऐप है, डाउनलोड करना मत भूलना। नया साल है, वन फुटबॉल ने फिर से विश्वास दिखाया एके जी के ऊपर, तुम्हारे चलते फिर से डाउनलोड करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, भूलना मत। एनीवेज, बात करते हैं भाई साहब हम लोग रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना के बारे में। पहले बार्सिलोना के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ऑफकोर्स मेरा क्लब है। भाई देखो, ठीक है, हम समझ रहे हैं बार्सिलोना अब वो कहानी नहीं दिखा पा रही है जो हम दिखाया करते थे। एक डाउनफॉल आया है, लेकिन ये जो डाउनफॉल है वो कुछ ही समय के लिए है। अभी कुछ समय से बार्सिलोना, जब से चावी आए हैं, थोड़ी सी अच्छी नज़र आ रही है। मैं एक सच बात बताऊं तो चावी थोड़े से अनलकी है। अनलकी इसलिए क्योंकि देखो, इंजरीज काफ़ी ज़्यादा हो गई बार्सिलोना में। अटैकर्स तो बचे ही नहीं थे हमारे पास, यंगस्टर्स खेल रहे हैं यार, इजी आपडे खेल रहा है, जुगला खेल रहा है, नए नए बंदे खेल रहे हैं यार, बार्सा बी के ऐसे ऐसे बच्चे खेल रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं था। कुछ बच्चे जो थोड़े से स्टार बन गए थे, जैसे अंसू फाटी हो गया था, पैदरी हो गया था, ये भी बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो भी इंजर्ड हो गए थे। तो तुम समझ सकते हो बार्सिलोना की कहानी थोड़ी सी मुश्किल चल रही थी, लेकिन स्टिल चावी हैज़ डन अ वेरी वंडरफुल जॉब। उन्होंने बार्सिलोना को चेंज किया है। अगर आप बार्सिलोना का मैचेस देखते हो तो आपको समझ में आता होगा कि हाँ यार, गेम की फिलॉसफी तो चेंज हुई है, जिस तरीके से बार्सिलोना खेलती है वो चेंज हुआ है, मैंटेलिटी चेंज हुआ है प्लेयर्स का। तो ऑफकोर्स एक इंक्लाइन स्टेप में बार्सिलोना जा रही है। नाउ साइनिंग्स भी हो गए हैं अच्छे खासे। एक साइनिंग जो बहुत ही बेहतरीन मेरे नज़र में हुई है, वो है फरहान टोरेस की। मेरे ख्याल से ये गंदा आग लगा सकता है, और सबसे बेहतरीन बात ये है कि वो स्क्वाड में है इस सुपर कप के लिए। तो भाई साहब, बहुत ही मज़ा आने वाला है अगर फरहान टोरेस स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लूँ अगर हम बार्सिलोना के फॉर्म के बारे में, तो देखो, लास्ट गेम हमारा था 1-1, जो है वो ड्रॉ होता है, फिर से एक अनफॉर्चुनेट ड्रॉ, जैसा हम बहुत समय से देखते हुए आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, है ना। आखिरी आप गेम अच्छा खेल रहे हो, बार्सिलोना के पास पोजीशन काफ़ी अच्छी है, लग रहा है बार्सिलोना जीत जाएगी, और आखिरी में जा कर के आप ड्रॉ कर लेते हो। ये चीज़ हमने पहली बार नहीं देखी है ऐसा बार्सिलोना, हमने कई दफाओं से देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन एनीवेज, पहला गोल था लुक डियोंग का, फिर गावी की तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुए जिसके चलते उसको दो येलो कार्ड मिला, यानी रेड कार्ड मिल गया गावी को। फॉर्चुनेटली दैट रेड कार्ड विल बी नॉट यू नो काउंटेड इन दिस मैच। गावी यहाँ स्टार्ट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल गावी, मेरे को ये लगता है थोड़ा सा ना
बच्चा है अभी भी, उसको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, कामने सीखनी है पिच में। मैंने कई दफ़ा देखा है गावि को, वो कूद फांद लेता है, फालतू के फाउल्स करता है, प्लेयर बहुत प्यारा है, बट इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा गावि को। तो वो गावि का रेड कार्ड के चलते बार्सिलोना 10 मैन डाउन हो चुकी थी और आखिरी में हम गोल खा गए थे कॉर्नर सेट पीस टाइप के माहौल से, जिसके ऊपर बार्सिलोना को काम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लूँ तो यार, पीके जब से चावी आए हैं बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र हमको आया है। डैनी एल्विस भाई क्या फिनोमिनल परफॉर्मेंस डाल रहे हैं, 38 ईयर ओल्ड है बट ही स्टिल प्रोड्यूसिंग यू नो व्हाट दोस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो वो अपने प्राइम ईयर्स में परफॉर्म करते थे, असिस्ट देने से लेकर के डिफेंड लेने तक। मुझको बहुत अच्छे से याद है कुछ डिफेंस बहुत ही प्यारे डैनी एल्विस ने करे थे, स्लाइडिंग टैकल्स वगैरह, जो मेरे ख्याल से कोई और राइट बैक नहीं कर पाता हमारा, बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आया था देखने में। तो बात ऐसी है कि देखो, ठीक है, सही है, लालीगा में हम पकड़ बना रहे हैं, अब हम टॉप फोर से पास हैं, एक पॉइंट का गैप है मेरे ख्याल से हमारे और टॉप फोर के बीच में, है ना, और दो पॉइंट का गैप है मेरे ख्याल से, एक पॉइंट का गैप है हमारे और टॉप, हाँ दो पॉइंट का गैप है हमारे और टॉप थ्री के बीच में, तो पकड़ बन रही है लालीगा में। लेकिन सुपर कप में माहौल अलग हो जाता है। अगर तुमको नहीं पता कि सुपर कप क्या है तो मैं तुमको बता दूँ, सुपर कप उन टीम्स के बीच में होता है जो फर्स्ट और सेकंड आए होते हैं लालीगा में और कोपा डेल रे में। तो फर्स्ट और सेकंड लालीगा में एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड, कोपा डेल रे में आया था बार्सिलोना और एथलेटिक क्लब, इनके बीच में जो है वो मैच होने वाला है बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। अगर मैं सुपर कप की हिस्ट्री के बारे में बात कर लूँ, बार्सिलोना नंबर वन टीम है, 13 बार हमने सुपर कप जीता है, सेकंड ऑफ कोर्स मैड्रिड है, रियल मैड्रिड 11 बार उन्होंने जीता है, लेकिन अभी रिसेंट ईयर में बार्सिलोना की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं नजर आई है सुपर कप में। पिछले साल बार्सिलोना हार गए थे रियल मैड्रिड से सेमीफाइनल में, मुझे जहाँ तक याद है, उसके पिछले साल रियल मैड्रिड सॉरी बार्सिलोना हार गई थी पिछले साल एथलेटिक क्लब के खिलाफ, जिसमें लियोनेल मेसी को रेड कार्ड मिला था अगर तुमको याद होगा तो। तो हम 2 साल से सुपर कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस साल तो हम कर सकते हैं। देखो लीग तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब हम टॉप फोर तो फिनिश करेंगे ये मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, बट लीग टाइटल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि रियल मैड्रिड बहुत ऊपर बैठी हुई है, इम्पॉसिबल नहीं है बट मुश्किल है। यूरोपा लीग भी मैं मुश्किल ही कहूँगा क्योंकि सीइंग आर टीम एंड अदर टीम्स यूरोपा लीग में थोड़ा सा कठिन होने वाला है, बट देर आर 2 ट्रॉफीज़ फिलहाल जिसके ऊपर नज़र बन सकती, एक तो बहुत ही आसान है, ये है सुपर कप, आई नो रियल मैड्रिड सामने है बट हम हरा सकते हैं, ये बात है। एनीवेज सो या मैं सुपर कप के बारे में बात कर रहा था, तो हमारा मैच होगा रियल मैड्रिड के खिलाफ इस बार, पिछले बार एथलेटिक क्लब के खिलाफ हुआ था, हम हार गए थे सेमीफाइनल में ही और एथलेटिक क्लब आगे फाइनल में पहुंच गए थे सुपर कप के, इस बार हमारा रियल मैड्रिड से एथलेटिक क्लब का एथलेटिक को मैड्रिड के साथ है, तो देखते हैं वहाँ क्या होता है, बट यहाँ पे सामने हमारे मैड्रिड है, लीग में टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है मैड्रिड। पॉइंट्स के बारे में बात कर लूँ, 49 पॉइंट्स है मेरे ख्याल से मैड्रिड के, सेकंड में है 44 पॉइंट्स के साथ सेविया, बहुत ही ऊंची बैठी हुई है। और रियल मैड्रिड को इस स्तर पे पहुंचाना मेरे ख्याल से एंचेलोटी का मास्टर क्लास है, प्लेयर्स का मास्टर क्लास है। और जब देखो, जहां पे क्रेडिट ड्यू है वहां पे ड्यू है, आप एंचेलोटी से कुछ नहीं छीन सकते हैं, ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ भाई। ये बंदा लालीगा के टीम को, लालीगा में टीम्स को ऐसे हरा रहा है जैसे चना मुर्रा है। इतना आसान नहीं है लालीगा में टीम्स को हराना जितना एंचेलोटी कर रहे हैं इस रियल मैड्रिड की टीम के साथ। भाई साहब, बार्सिलोना की फ्रजाइल डिफेंस को अगर किसी से खतरा है तो वो है रियल मैड्रिड की अटैक से। सामने लीड करते हैं उनके अटैक को करीम बेंजेमा, जो रिसेंटली 300 गोल मार रहे हैं, 300 गोल का फिगर रियल मैड्रिड के प्लेयर के हिसाब से क्रॉस करे हैं। देयर आर ओनली सम ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर्स रियल मैड्रिड के जो उस चीज़ को जो है वो क्रॉस करे हैं। अल्फ्रेडो डी स्टेफानो हो गए, राहुल हो गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, इन लेजेंड्स के नाम के साथ अब करीम बेंजेमा का नाम जो है वो आ गया है। केवल करीम बेंजेमा ही नहीं, हमारा छोटा नेमार विनीशियस जूनियर भी आजकल गोल मारना सीख गया है। पिछले के पिछले 2 साल से तो हम इसको गालियां दे रहे थे कि फिनिश नहीं कर पाता है, बट इस साल पता नहीं भाई को क्या हो गया है। ही इज़ वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन लालीगा एंड ही इज़ स्कोरिंग गोल्स लाइक यू नो वॉट, ईटिंग सीरियल्स इन ब्रेकफास्ट। क्या बात कर रहे हो, जैसे इतना आसान है, दूध और कॉर्नफ्लैक्स डालो और खा गए, बंदा जाके गोल मार रहा है। लास्ट गेम हुआ था इनका मेरे ख्याल से
वेलेंसिया के खिलाफ। और वेलेंसिया ऐसी वैसी टीम नहीं है, आई नो वेलेंसिया करंटली 10th ऑन द टेबल फिनिश कर रही है, बट वेलेंसिया को हराना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कभी कभी। होम में आप वेलेंसिया को बीट कर, इनका ही होम था, बीट कर रहे हो 4-1, जहाँ पे बेंजिमा तो गोल मारते ही मारते एक ब्रेज भी हमको देखने को मिलता है विनीशियस जूनियर की तरफ से। तो रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिसेंटली एक गेम ये हारे थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, एक आध दो गेम चल जाता है, बट स्टिल यार गजब का जो है वो कहानी है। बाद में अगर कर लूँ रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना की, तो रिकॉर्ड रियल मैड्रिड की तरफ ही है। रिसेंटली रियल मैड्रिड बार्सिलोना के ऊपर बहुत ही समय से जो है वो दबदबा बना के रखी हुई है। पिछले सीज़न हम दोनों गेम जो है वो हारे थे इनके खिलाफ 2-1 2-1, मुझे जहाँ तक याद है उसके पिछले सीज़न भी हम हारे थे। हम इनसे सुपर कप में भी मिले थे, सुपर कप में भी हम 2017 में जब मिले थे 5-1 दोनों लेग्स में हम हारे थे। तो बार्सिलोना का जो है वो रिकॉर्ड रियल मैड्रिड के खिलाफ कुछ ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ द मैचेस, बट देयर इज़ समथिंग आई डोंट नो। इस मैच में आई फील लाइक बार्सिलोना कैन होल्ड रियल मैड्रिड ड्रॉ के लिए, तो एटलीस्ट आई एम नॉट यू नो व्हाट प्रेसिंग फॉर अ विन कि जीतेंगे ही जीतेंगे, बट पता नहीं कहीं से मुझको लग रहा है कि ड्रॉ तो कर ही सकते हैं हम लोग, इतना हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। अगर मैं टीम न्यूज़ के बारे में बात कर लूँ, तो देखो टीम न्यूज़ के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि रियल मैड्रिड की पूरी टीम रेडी है इस मैच के लिए। दो प्लेयर हैं बस थोड़े से डाउटफुल हैं, वो थोड़े से ही डाउटफुल हैं, और वो है डियाज और गैरेथ बेल, डाउटफुल हैं वो भी, मारियानो डियाज और गैरेथ बेल डाउटफुल हैं। बाकी पूरी टीम जो है वो इनकी सुपर रेडी नज़र आ रही है इस क्लैश के लिए। बार्सिलोना के बारे में बात कर लें, हम भी रेडी हैं, बट हमारे दो प्लेयर जो हैं वो बाहर है। सबसे पहला तो एरिक गार्सिया हमको बाहर देखने को मिलेगा, पिछले मैच में इंजरी हुई थी, लंबे चौड़े दौरान के लिए गायब होने वाले हैं 4 हफ्तों के लिए। साथ ही साथ सर्जियो रोबर्टो, मार्टिन ब्रेटविथ भी हमको बाहर देखने को मिलेंगे। दो प्लेयर और इसमें शामिल हो सकते थे, पेद्री और हमको फरान टोरेस नहीं हमको देखने को मिलते, बट इनकी जो है वो कोविड की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गई, इसलिए अब ये स्क्वाड के अंदर है। सो अब हमारे पास जो है वो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आ गए हैं, स्क्वाड लिस्ट हमारे सामने रेडी है। लेट्स सी कि क्या लाइनअप हो सकती है बार्सिलोना रियल मैड्रिड की। तो अगर मैं लाइनअप के बारे में बात कर लूँ, तो मेरे ख्याल से एक अलग वीडियो बननी चाहिए लाइनअप के ऊपर, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कैसे स्टार्ट करेगा और क्या गेम हो सकता है बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का करेंगे। लेकिन देर इज़ आई डोंट नो देर इज़ समथिंग जो मुझको बिलीव करा रही है कि पता नहीं चावी कुछ तो क्रिएट करेगा टू ब्रेक दिस रियल मैड्रिड टीम। आई नो विनीशियस इज लीथल, बट देर वर सम रिपोर्ट्स कि अराउओ को इंजरी है, उसका आर्म फ्रैक्चर हुआ था, प्लास्टर वगैरह चढ़ा करके आएगा विनीशियस से लड़ाई करने के लिए, क्योंकि चावी को ये लगता है कि ओनली अराउओ कैन स्टॉप विनीशियस जूनियर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई फेयरली रिमेंबर विनीशियस जूनियर को सर्जिनियो डेस्ट ने भी रोका था एक एल क्लासिको में, बट अब सर्जिनियो डेस्ट कही है और विनीशियस कही है, तो अराउओ की ज़रूरत हमको समझ में आएगी। तो थोड़ा सा डर है टू बी रियली ऑनेस्ट। हाँ वो मैं से आँख बंद करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि बार्सिलोना ऐसे ना हाई प्रेस खेल रही है, अपने डिफेंस को बहुत आगे पहुँचा दिया है हाई प्रेसिंग में, और क्या बोलते हैं रियल मैड्रिड वहाँ से काउंटर मार रही है, विनीशियस अपने पेस इस्तेमाल कर रहा है, पास डाल रहा है बेंजिमा को, आई होप सो ऐसा कुछ ना हमको देखने को मिले। एनीवेज ये एक छोटा सा प्रीव्यू था जिसमें मैंने टीम्स के बारे में बात किया है, एक मैं अच्छा प्रीव्यू और बनाऊंगा इसमें ही जिसमें लाइनअप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा ग्राफिकल एडिटिंग के साथ आपको वो वीडियो मिलेगी जिसमें लाइनअप के बारे में बात करेंगे। बाकी थैंक यू फॉर द विशेस, जो मेरे को कोविड हुआ है उसके लिए तुम लोग विश कर रहे हो कि भाई गेट वेल सून, थैंक यू अ लॉट। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें @ashishk, बहुत बकर चल रहा है वहाँ पे, बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग स्टोरीज पे, आ जाए मस्ती का पार्ट बने। एनीवेज चलो ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज आशीष के सनी, आउट ऑफ टेक केयर, पीस, विस्कल बार्सा, जय हिंद। एंड इफ यू आर अ मैड्रिड फैन एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, भाई मैड्रिड बहुत तगड़ी टीम हो गई है भाई, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंचेलोटी ऐसे कमाल कर देगा, बट बहुत स्टेबल कर दिया तुम्हारी टीम को एंचेलोटी यार, समझ रहे हो। चलो बाय।